वैसे भैया तबीयत कैसी है? अच्छी होगी। दो दो बहुए हैं ख्याल रखने वाली, गधा प्रसाद है। बोलते काहे नहीं हो, बोलो ना। अच्छा, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने को मना किया है क्या? डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना नहीं किया बिल्लो, डॉक्टर ने ज्यादा सुनने से मना किया है। अच्छा अच्छा, कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो ना, कम। और क्या बोलूं? हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे कम बोला, हरिओम बोला, और क्या बोलूं? अरे बोलते का ही नहीं हो। हाँ, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने को मना किया है ना। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाद में आऊंगी। हाँ, मयूरी, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर बाबूजी को कुछ हो जाता ना, तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हाँ दीदी, पर खुद को कैसे माफ करते हैं? मयूरी को ये पता ही नहीं है। मयूरी ने कभी खुद को माफ नहीं किया दीदी। मयूरी, तुम्हें खुद को माफ करना नहीं आता हो, लेकिन मुझे दूसरों को माफ करना आता है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मयूरी को माफ कर दिया दीदी? पर किस लिए? देखो मयूरी, घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है, और आगे से ऐसा ना हो इसका तुम ध्यान रखना। सिर्फ मयूरी ध्यान क्यों रखे, तुमको भी रखना होगा दीदी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे बजती है। देखो मयूरी, तुम फिर से बहस कर रही हो। तुम भी तो जिद पे अड़ी हो दीदी। गधा प्रसाद खुद तो कुछ काम करता नहीं, एक काम करता है तो चार काम बढ़ा देता है। इसके काम हम कर रहे हैं। गधा प्रसाद जल्दी से एक बाल्टी पानी ले आ। गधा प्रसाद मयूरी के लिए भी एक बाल्टी पानी ले आ। मयूरी अब ज्यादा हो रहा है। गधा प्रसाद पानी पहले मैंने मांगा था, पानी मुझे दे। दीदी पहले मटका मैं धोने आई थी। गधा प्रसाद कपड़े के लिए पानी मैंने मांगा था, एक बाल्टी पानी मुझे दे दे। चल गधा प्रसाद मयूरी को पानी दे, जल्दी ला, पानी भर दो। देखो मयूरी तुम छोटी हो, छोटों की तरह रहो। गधा प्रसाद पानी मुझे दे। दीदी छोटों को आगे आने का मौका दो, छोटों को पहले पानी मिलना चाहिए। गधा प्रसाद मयूरी को पानी दे। भाभी पानी मेरे लिए लाया ना, चलिए इधर रख। गधा प्रसाद पानी मयूरी को दे। मयूरी बहुत हो गया, गधा प्रसाद मुझे दे। मुझे दे, मुझे दे, मयूरी को दे, मुझे, मयूरी को, मुझे, मयूरी को दे, मुझे, मयूरी को दे। मम्मी चुप, क्या हुआ? भाभी बाल्टी एक ही है हमारी तरह, पहले आप सोच लो कि इसका क्या करें। इसके सर पे डाल दे। आप ही ने तो कहा था इसके सर पे डाल दे, डाल दिया। Dum 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 d
क्या बात है गोमुख, आज फिर से घोटक एक्सप्रेस और गोमुख मेल का अराइवल सेम टाइम पे हो गया। वही टाइम मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, कमाल है भैया। अरे एक मिनट, ये देखो मेरे पास भी वाइट एनवेलप, वो भी सेम साइज। डॉट 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 डॉट। अरे क्या है ना गोमुख, इस एनवेलप में कल की हॉलिडे स्पेशल का रिजर्वेशन चार्ट है। हमारी ऑफिस में आज शॉर्ट सर्किट हो गया है तो सारे प्रिंटर खराब हो गए। बड़ी मुश्किल से इस चार्ट का एक प्रिंट आउट ले पाया हूँ यार। लेकिन तेरे एनवेलप में क्या है भैया? इसमें रिजल्ट शीट है। डॉट 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 डॉट। कल स्कूल में रिजल्ट डे है ना। डॉट 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 डॉट। भैया टीचर के लिए कल का दिन बहुत बड़ा होता है, फुल स्टॉप। गोमुख कल का दिन तो टीसी के लिए भी बहुत गर्व का दिन होता है। वो क्यों भैया? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कल के दिन हमें तनख्वाह मिलती है ना। अरे आ गए तुम दोनों। कल का दिन तुम लोगों के ना बहुत शुभ होगा। अरे काहे नहीं शुभ होगा, बिल्लो का आशीर्वाद जो है तुम लोगों के साथ। आशीर्वाद देने के लिए पैर छूने पड़ते। छुओ, काहे नहीं छुओगे? छुओ। पूरा नहीं हुआ है, कहाँ जा रहे हो? बीवियों को मनाने जा रहे हैं बुआ जी। कल से रूठी है बुआ जी। जाओ जाओ, मैं तो बोलती रहती हूँ। अच्छा बुआ जी, हरिओम। जाओ जाओ, ख्याल रखना भैया का। हाँ जी। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, इसको अदा कहूं तो अदाओं को क्या कहूं। माथे पे लाल बिंदी और चेहरा गुस्से से लाल, इस चेयर पर बैठे ऐसी लग रही हो कोयल जैसे किसी छोटे से अनजान स्टेशन पे अचानक पहले सुन व्हील्स आके रुक गई हो। आप मुझे पहले सुन व्हील्स भी खरीद के दोगे ना तो भी मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला। आप ही ने कहा था उस दिन बाबूजी बनो, और बाबूजी बनने की कोशिश की तो सजा दे दी, वो भी छत पे। मयूरी, कौमा, मयूरी। पता है आज मयूरी को छत पे कितने सारे मच्छर काटे? कितने? क्वेश्चन मार्क। तुमने गिने कैसे? क्वेश्चन मार्क। मच्छर एक जगह पर बैठे थे क्या? डॉट डॉट डॉट। यहाँ मयूरी को गुस्सा आ रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। आज मयूरी का गुस्सा तुम्हारी तारीफ से ठंडा नहीं होगा। पहले कहा मयूरी को कि तुम बाबूजी हो, मयूरी बाबूजी बनने गई तो उसे सजा दे दी। कोयल, देखो एक ही टाइम पे एक ही ट्रैक पे दो गाड़ियां नहीं चल सकती। अगर चलेंगी तो आपस में टकराएंगी और नुकसान होगा उसका भी और उसके आसपास वालों का भी। तो दो ट्रेन को साथ में चलाने की जरूरत क्या है जब एक ट्रेन से काम हो रहा है? मयूरी को समझना चाहिए ना, मैं उससे बड़ी हूँ। घर में सबसे बड़े बाबूजी, और बाबूजी के लिए कोयल और मयूरी दोनों समान हैं। दीदी को ये बात समझ लेनी चाहिए ना। अरे यार, यहाँ तो स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, तेरे वहाँ क्या हाल है? भैया स्थिति यहाँ भी तनावपूर्ण है। डॉट 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 डॉट। लेकिन फिर भी नियंत्रण में है। डॉट 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 डॉट। कोयल और मयूरी है ना, वो सिर्फ हमसे नहीं रूठे हैं बल्कि एक दूसरे से भी बहुत गुस्सा है।
हंसो मत भैया, तुम दोनों की वजह से जब बाबूजी मुश्किल में आ सकते हैं तो हमारा नंबर भी आ सकता है। अरे तुम डरता बहुत है यार, घूमो कहीं का। देख कुछ नहीं होगा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, यहाँ घर में भी और वहाँ हमारे ऑफिस में भी। ये देख तेरा रिजल्ट और मेरी हॉलीडे स्पेशल दोनों राइट टाइम पे निकलेंगे, समझा? ओके चल फोन रखता हूँ, बाय। बेटा ये जो जिंदगी है ना, ये खुद अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए हर इंसान को हर रोज और निरंतर होमवर्क मिलता रहता है, और हमें जैसे कैसे भी हर रोज इस होमवर्क को पूरा भी करना पड़ता है। बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि तेरा होमवर्क टीचर जी देखती हैं और हमारा होमवर्क भगवान। दादाजी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक ये सारे काम आप मम्मा को और मयूरी चाची को दे दीजिए। बेटा दिया था लेकिन उन लोगों से नहीं हो सका, कोई ना कोई मिस्टेक हर रोज हो जाती है। सिली मिस्टेक्स, ऐसी बात है तो दादाजी आप अपना काम उन्हें मत दीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। वाह गिल्लू, बात तो तेरी भी सही है यार। बाय दादाजी, हरिओम। हरिओम हरिओम। अरे वाह गिल्लू, आज तो तूने दादाजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम, आ जा। बाबूजी आज स्कूल में रिजल्ट डे है, .. आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। जीते रहो बेटा, और मैं क्या, भगवान का आशीर्वाद भी तुम दोनों के साथ है। हरिओम बाबूजी। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग जी बाबूजी, नाश्ता चाय ब्रेड बटर और कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे। नहीं बाबूजी, आज से कैप्सूल्स बंद, आज से टैबलेट शुरू। हरियो हरियो हरियो, हटो हटो, मुझे ब्लड प्रेशर चेक करने दो, हटो। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। प्रेशर नॉर्मल है। थैंक यू बेटा। आप नाश्ता कीजिए। क्या करे बाबूजी बेचारे, कोयल मयूरी को ये क्या सूझी, दोनों बोले अरे अरे भाभी जरा हटना। बाबूजी हमने बगीचे में पानी दे दिया है। अबे वाह गधा प्रसाद, शाबाश। अब क्या करें? गधा प्रसाद तो बाबूजी मेरे रहते हुए आपको घर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी मयूरी के रहते हुए आपको चिंता किस बात की? गधा प्रसाद को तो मयूरी ने कल ही कह दिया था कि पौधों में पानी डाल दे, है ना गधा प्रसाद? मम्मी हाँ।
समस्या क्या है ना कि बिस्तर पर लेटे लेटे बोरियत हो जाती है, तो सोचा चलो थोड़ा सा काम ही कर लूं। गदा प्रसाद एक काम कर, हौद का पानी बहुत गंदा हो गया है, पता नहीं कितने दिन से साफ नहीं हुआ, तो गंदा पानी निकाल के हौद को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ कर और उसमें साफ पानी भर दे। और हाँ गदा प्रसाद, गदा प्रसाद सुनो मेरी बात। क्या बात है गुप्ता, सुबह सुबह कलम घिसाई हो रही है? हा? अरे यार प्रिंटर अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो पिलपिला फिर पैसेंजर का चार्ट बना रहा हूँ। अच्छा इसलिए पिलपिला हो रहा है? लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी गुप्ता, इससे पहले कि प्रिंटर पूरी तरह से बैठ जाता मैंने अपनी हॉलिडे स्पेशल का चार्ट निकाल लिया। जल्दी से अंदर जा, सीटीआई साहब इंतजार कर रहे हैं। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हम क्या करें, घोटक का इंतजार तो 11 मुल्कों के स्टेशन मास्टर कर रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर, ये रहा मेरा चार्ट। मेरा चार्ट रिजल्ट मैंने शर्ट की पॉकेट में इधर नहीं इधर रखा था। अरे किधर रख दिया आपने रिजल्ट, जमीन खा गई है आसमान। भगवान याद आ गया सर, डॉक्टर रिजल्ट घर पे गिरा है। कुछ तो सर मैं अभी गदा प्रसाद से फोन करके मंगवा लेता हूँ। डॉक्टर सर फोन। सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है, सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है। तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ना मुझे एक मिनट। आ भैया हम टंकी ना साफ कर रहे थे। यार भिगा दिया। हे राम भैया पानी तो आ नहीं रहा। यार क्यों टेंशन टाइट कर रहे हो, पानी 9 बजे आता है और अभी पूरे के पूरे 10 मिनट बाकी हैं। तब तक तू एक काम कर, अंदर जाके रेस्ट कर, तब तक मैं मंदिर जा रहा हूँ अपनी मेमना से मिलने। तो अपनी मामा के साथ मंदिर गई है। बाय द वे मैं कैसा लगा? ओए होए कपी भैया बोले अंदर जा और रेस्ट कर। अंदर किधर? ही समझ गए टंकी के अंदर। अब सही है, हम अंदर आराम करते। गमछा का है? For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.